ये संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। प्रदेश में अब महंगा होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। परिवहन विभाग बढ़ाने जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस की फीस। दुपहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब अतिरिक्त 100 रुपए देने होंगे। चौपहिया वाहन के लिए देनी होगी 150 रुपए अतिरिक्त फीस। सिर्फ ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर बनने वाले लाइसेंस की ही यहाँ पर फीस बढ़ेगी। परिवहन विभाग जल्द इस बारे में आदेश जारी करेगा। जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे, लेकिन फैसला लिया जा चुका है। परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ाने जा रहा है। प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पहले से महंगा होगा। जहां दुपहिया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब अतिरिक्त 100 रुपए देने होंगे, तो चौपहिया वाहन के लिए देनी होगी 150 रुपए अतिरिक्त फीस। सिर्फ ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर बनने वाले लाइसेंस की ही ये फीस बढ़ेगी। जल्द ही ये आदेश भी जारी करेगा परिवहन विभाग। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब थोड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो फीस थी उससे अब अतिरिक्त फीस यहां पर देनी पड़ेगी। प्रदेश में अब महंगा होने जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। दुपहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जहां अब अतिरिक्त 100 रुपए देने होंगे, वहीं चौपहिया वाहन के लिए अब देने होंगे अतिरिक्त 150 रुपए। और चलिए संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जल्द ही आदेश परिवहन विभाग जारी करेगा, लेकिन इस निर्णय के पीछे की वजह क्या? या काफी वक्त से फीस नहीं बढ़ाई गई थी या कोई और वजह? ये बड़ी खबर है श्वेता, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी चीज है जिससे हर आम आदमी जुड़ा हुआ है। अधिकतर जो लोग हैं वो वाहन चलाते हैं और उनको उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये फर्स्ट इंडिया ब्रेक कर रहा है इस एक्सक्लूसिव खबर को कि परिवहन विभाग जल्द ही एक दो दिन में ही ऑर्डर निकाल देगा कि ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ेगी। कारण इसका ये है, और हमने खबर में लिखा भी है, कि सिर्फ ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक, अभी प्रदेश में दो तरह के ड्राइविंग ट्रैक हैं जिन पर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। एक ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक है जिस पर कि आपको पूरे नियमों से ही जो अपनी ट्रायल होती है स्किल्स दिखानी होती है ड्राइविंग की। और दूसरे जो ट्रैक है वो गैर ऑटोमेटिक है, उस पर आपको नॉर्मली गाड़ी चलानी होती है। जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक है उस पर आपको जो सॉफ्टवेयर होता है वो पास करता है, वो आपको पासिंग मार्क्स देता है। तो ये इसलिए पैसे बढ़ाए जा रहे हैं कि जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनाए गए थे परिवहन विभाग की ओर से सभी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों और कुछ DTO कार्यालयों में भी, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनकी जो लागत है वो वसूली जा रही है जो लोग अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे उनसे। तो कहीं ना कहीं जेब पर तो इसका भार पड़ेगा, लेकिन ये भी एक बात सही है कि अभी तक प्रदेश में शिकायतें आती रही है श्वेता कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको के योग्यता नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। कई बार दलालों के मार्फत, कई बार सेटिंग लगाकर, खासकर जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक नहीं है। तो अब ये इंश्योर होगा जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक है और भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनाने की।